In this part, we shall learn about elements of research paradigm. Though we have already talked about the elements of research paradigm, we shall not pronounce anything new in this part. Rather, we shall consolidate whatsoever talk we have made during previous lectures. एलिमेंट्स भी आप समझ ही चुके हैं, बहुत सारी बातें. यूजुअली मोस्ट ऑफ द रिसर्च लिटरेचर फाइंड, यहां मैं पूरा लिखूंगा, ऑन्टोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्सियोलॉजी. एक तो ये कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द रिसर्च लिटरेचर फाइंड ऑन्टोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एज द थ्री की एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पैराडाइम. मतलब उन्होंने पहले भी कहा कि ये तीन को ही एलिमेंट मानता है, ये मानता है कि रिसर्च पैराडाइम जो है उसके तीन एलिमेंट है, ऑन्टोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी और फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी. और हमने देखा, वहां भी बात की, यहां भी करेंगे, कि ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी इज इक्वल टू रिसर्च मेथोडोलॉजी. और इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसको जोड़ देते हैं, ये करते हैं. लेकिन एक नाम है और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, हमने उनका डिफिनेशन भी देखा है. तो इसमें भी पैराडाइम में भी वार है. बहुत सारे लोग लिटरेचर भी ये मानते हैं कि देर आर ओनली थ्री एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पैराडाइम. इन आवर डिलीवरेशन, मेरा अपना मानना है, और हमने अभी उसका जस्टिफिकेशन भी दिया आपको पिछले लेक्चर में, कि एक्जियोलॉजी के बिना रिसर्च नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें इथिक्स का होना जरूरी है, वैल्यूज का होना जरूरी है. इन आवर डिलीवरेशन कंसिडरिंग लिंकॉन, नाम भी हमने लिखा था और ईयर भी लिखा था, लिंकॉन LINCOLN एंड गुबा 1985, वी शैल बी टॉकिंग ऑफ फोर एलिमेंट्स. मतलब इन्होंने फोर एलिमेंट्स की बात की थी और इसकी चर्चा हम वहाँ कर भी चुके हैं. मेरा लिटरेचर सर्वे ये कहता है कि नहीं, ये चार एलिमेंट्स हैं और उसमें हमने सहारा लिया है लिंकॉन और गुबा का, और भी कई लिटरेचर में चार एलिमेंट है. बहुत सारे आर्टिकल्स में लोगों ने चार एलिमेंट मैंशन किए हैं. सो वी शैल बी टॉकिंग ऑफ फोर एलिमेंट्स of research design, adding axiology as the fourth one. Now, there are ontology, epistemology, research methodology and axiology. मतलब ये रिसर्च के चार एलिमेंट है. मतलब आज से हमें मानेंगे कि किसी भी रिसर्च पैराडाइम में यदि हम पैराडाइम की विशेषता बताएंगे तो उसके ऑन्टोलॉजी के बारे में हमको बताना होगा कि इसका ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या कहता है, या इसका ऑन्टोलॉजी क्या है, फिर इसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और इसका एक्जियोलॉजी क्या है. और ये चीज़ शुरू में ही हमने जो फर्स्ट पार्ट के लेक्चर में आपको बताया था कि इट इज अबाउट द रियलिटी और इट इज अबाउट नॉलेज एंड बोथ टूगेदर is the research philosophy, knowledge and reality. आगे हम ontology discuss भी करेंगे separate part. और epistemology is the science of knowledge. और फिर ये process की बात करता है, ये दूसरा knowledge की, तीसरा research के process की, कि how it will be undertaken, और चौथा research के value की, इसका value क्या है, किस value system को ये follow करता है. So in this part we could learn that most of the researcher do believe that there are four elements of every type of research design, whether it is positivist paradigm or anti-positivist paradigm, and they follow four elements, and those are ontology, epistemology, research methodology and axiology. जो क्रमशः रियलिटी, नॉलेज या नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन, रियलिटी से संबंधित क्वेश्चन, पहला रियलिटी से संबंधित क्वेश्चन, ऑन्टोलॉजी,
नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन, इपिस्टेमोलॉजी प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी रिसर्च मेथोलॉजी और वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सियोलॉजी और ये रिसर्च पैराडाइम इन चारों प्रश्नों, चारों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। सो वी कैन से देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पैराडाइम, ऑन्टोलॉजी इपिस्टेमोलॉजी रिसर्च मेथोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। थैंक यू फॉर दिस पार्ट।